इकौना पुलिस ने दो अभियुक्तों को अलग अलग स्थानों से 30 लीटर नाजायज कच्ची शराब के साथ किया गिरफ्तार। थाना इकौना पुलिस ने मुबीन खान पुत्र रहीम खान और ननके पुत्र छुट्टन निवासी बढ़ई पुरवा को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से क्रमशः 15-15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई, जिन पर धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना इकौना की यह तस्वीर जहां पर इकौना पुलिस ने दो लोगों को 30 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। इकौना कस्बे के बस स्टॉप के पास से मोटरसाइकिल हुई गायब। कैलाशपुर निवासी पीड़ित युवक ने इकौना पुलिस को दी तहरीर। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के कैलाशपुर निवासी युवक राम गोपाल पुत्र अनंत राम ने इकौना कस्बे में आकर महेश फोटो स्टूडियो के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और वो अपने साथी के साथ दूसरे बाइक से ड्यूटी करने से ऊपर बनकर चला गया। जब वापस लौटा तो उस स्थान पर अपनी गाड़ी नहीं पाया, जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान हो गया। ऐसे में उसने इकौना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। जब मौके पर देखा गया तो वहां पर एक दूसरी गाड़ी लावारिस हालत में खड़ी रही। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई भूल कर उसकी गाड़ी लेकर चला गया और वो वापस नहीं लौटा। इकौना इलाके के बस स्टॉप के पास महेश फोटो स्टूडियो के सामने का मामला, जहां पर खड़ी बाइक गायब हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने इकौना पुलिस को तहरीर दी। कहाँ घर है? कैसे मोटरसाइकिल गायब हुई, कहाँ से? सर, महेश फोटो स्टूडियो दुकान के सामने 9:30 बजे गाड़ी खड़ी की थी। हम जा रहे थे ड्यूटी से ऊपर बनकर, ड्यूटी लगी थी तो वहाँ से 3:30 बजे लौटे। हमारे एक साथी थे, उन्हीं की गाड़ी पे बैठ के चले गए थे। जब लौट कर आए 3:30 बजे, देखे तो हमारी गाड़ी नहीं मिली वहाँ पे। थाने पर दे दिया सर। वहीं थाना क्षेत्र इकौना इलाके के नेशनल हाईवे 730 पर स्थित परसोदा माफी में 13 वर्षीय किशोरी को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर जबरदस्त थी। सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने किशोरी को लादकर इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद किशोरी की हालत गंभीर बताते हुए जिला अस्पताल भिनगा रेफर किया। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के परसोदा का मामला है, जहां पर 13 वर्षीय खुशबू गुप्ता पुत्री राजकुमार गुप्ता जो सड़क पर ही किसी काम से निकली थी, तभी सामने से आ रहे बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद किशोरी गंभीर रूप से घायल हुई। उसे इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने किशोरी का प्राथमिक उपचार किया, जिसके बाद किशोरी की हालत गंभीर बताते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। बाइक की तेज टक्कर से किशोरी के पैर में फ्रैक्चर आया, साथ ही शरीर में अन्य कई जगहों पर चोटें आईं। इकौना इलाके के नेशनल हाईवे 730 पर लगातार सड़क हादसे सामने आ रहे हैं, जिसमें लोग लगातार घायल भी हो रहे हैं और लोगों की मौतें भी हो रही हैं। वहीं इसकी सूचना परिजनों ने डायल 112 को दी। मौके पर पहुंची डायल 112 की पीआरबी 2501 मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी। वहीं ग्रामीणों ने इस मामले में सड़क दुर्घटना में शामिल बाइक सवार को भी पकड़ लिया, उसे भी चोटें आईं और उसे इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर दोनों पक्ष खबर भेजे जाने तक आपसी सुलह समझौता में लगे थे। किसी ने भी पुलिस को लिखित शिकायत नहीं दी। बुढ़नी निवासी 18 वर्षीय युवक ने बाइक सवार था, उसने किशोरी को टक्कर मारी थी, जिससे किशोरी गंभीर रूप से घायल हुई।
बाइक सवार की ये तस्वीरें जो विशेषगंज थाना क्षेत्र के बुढ़नी गांव का रहने वाला है और उस वह वापस अपने घर की तरफ आ रहा था, तभी उसी की बाइक से किशोरी को टक्कर लग गई। वहीं इकौना इलाके के तिलकपुर मोहल्ले में घर के सामने कुरकुरा लाने जा रहे मासूम को साइकिल सवार ने टक्कर मार दी, जिससे मासूम को काफ़ी चोटें आईं। परिजनों ने इकौना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, साथ ही मासूम को ले जाकर इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के तिलक नगर मोहल्ले का मामला, जहां पर 5 वर्षीय अनिश को साइकिल सवार ने टक्कर मारी, जिससे उसके पैर में काफ़ी चोटें आईं। हालांकि इस मामले में दवा उपचार कराने की बात कहकर दोनों पक्षों ने सुलह समझौता किया है और मासूम का इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार किया जा रहा है। इकौना इलाके के उपाध्याय तालाब के पास यह हादसा सामने आया, जहां पर घर के सामने खेल रहे मासूम को साइकिल सवार ने टक्कर मारी। क्या नाम है इसका? अनस। कितने साल का है? 5 साल। कैसे चोट लगी? कैसे चोट लगी? साइकिल पर से निकला रहा, पहले से निकला रहा, जाता कुरकुरा लावे, बस बगलिया खड़ा रहा, बस वो कचरा इस बच्चा लगा। किससे कचरा? बाइक से कि साइकिल? साइकिल से। तो भाग गया वो? हाँ, साइकिल से कचरा के ऊपर चढ़ा दी थी, चिल्लाए लग, बस वो गवा मंदिर में बैठा। वही थाना क्षेत्र इकौना इलाके के परसौरा माफी में सर पर घास लाद कर घर की तरफ जा रहे पैदल शख्स को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे 40 वर्षीय रामनारायण पुत्र रामशंकर चोटिल हुआ। सूचना पर पहुंचे लोगों ने उसे इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर उसका उपचार करने में जुटे रहे। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के नेशनल हाईवे 730 के परसोरा माफी के पास का वाकया, जहाँ पर 40 वर्षीय शख्स को बाइक सवार ने टक्कर मारी, जिससे पैदल जा रहा शख्स चोटिल हुआ और उसे इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया गया।